पब्लिक टीवी आपकी आवाज। खेल युवा कल्याण पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के उपेंद्र तिवारी आज मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद में उन्होंने शहीद स्मारक पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर पंचायत भवन में आयोजित स्वच्छता संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। साथ ही प्लास्टिक मुक्त सफाई अभियान में जन सामान्य के साथ भाग लिया और श्रमदान भी किया। वहीं उन्होंने बताया कि अमृत महोत्सव में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार जितने जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, उनको जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। आजादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार की ये जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना और जिन वीर शहीदों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी है, जो आँखों में सपना लेकर के जो उन लोगों ने सपना दिया था देखा था, उन सभी लोगों के सपने को साकार करने के लिए आज़ादी के 75वें वर्ष पे पूरे देश के अंदर अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मुरादाबाद जनपद में हम लोग इस स्वच्छता संगोष्ठी के कार्यक्रम में आए थे। सरकार की अपेक्षा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे के साथ केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस अमृत महोत्सव के अवसर पे जन जन तक पहुंचाया जाए। और चूंकि महात्मा गांधी और वीर शहीदों का भी स्वच्छता आंदोलन से ये पुराना अवस्था रिश्ता रहा है, तो उनके सपने को साकार करने के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के पूर्व संध्या से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर तक स्वच्छता अभियान प्लास्टिक मुक्त भारत यानी आज़ादी के 75वें साल में 75 लाख किलो प्लास्टिक कलेक्ट करने का अभियान ये भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की चलाया है, जिसमें हमारे केंद्रीय खेल मंत्री माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में इसकी लॉन्चिंग क्लीन इंडिया की लॉन्चिंग 1 अक्टूबर को प्रयागराज की धरती से हुआ था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।